और चौराहे पर लाश फेंकवा दिया है और उसका बदला चुकाने के लिए बदला चुकाने के लिए राकेश उर्फ डाकू आ रहा है। तुम्हारा दुश्मन 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 डाकू राका राखो नहीं पहले डाकू राका अभी कहा के लिए इस लेटर को तू लेकर के जाएगा अरे तो उसे तुझे करना है तो चार चीज रूप में तुझे लेकर के जाना है। जाओ चाहे पाने से पहचान बोलते हैं जाओ अरे आवत के एक भेड़ हाथ देखा कथरी ओढ़े सियार कथरी पिगरी जी सरदार जी और तारीख खोदने का याद रखेंगे ये सरदार जी और क्या चलते हैं और वसी देर का इंतजार करेंगे बल्ला शुभारी के लिए सरदार जी आ जाएगा खुशी में क्या लेकर आया बताई कि ना बताई हम तो कहीं कहूँ जान गए आपके आपस में किससे बातें कर रहा है। अरे बोले बोले दुल्हिनी कार्य करे दुल्हा क्या मैं लिखता हूँ क्या पढ़ा है सागर सिंह अरे ओ सागर सिंह दस खत को पकड़ो देखो इसमें क्या लिखा है हाँ मारूंगा क्या देख इसमें क्या लिखा इमान लिखा है मेरी दुश्मनी को नमस्कार बाबू इमा पाई के ऊपर पाई चला पर दुनिया को साले पढ़ाते हो ठाकुर जो अच्छा लिखा है इसमें पढ़ नहीं पाते ठाकुर धोकर प्रताप सिंह प्रताप सिंह होगा यही सब तुम पढ़ा
ठाकुर कौशल प्रताप सिंह होगा और छोटे ठाकुर डांगर सिंह। आपको मालूम है? मालूम नहीं साले, मालूम मालूम है। बढ़ा दिन तो आँखी न गाड़ा हो जाए। कौन बात? आपको मालूम है कि आपका दुश्मन राकेश ओ हमारे दोनों भाइयों के सामने हमारे पिता को गोली मारा था, खेत और खलियान जला दिया था। मैं आपका दुश्मन डाकू राका राकेश उर्फ डाकू राका 440 वोल्टेज खतरा, मैं तुम्हारी हलबेली में तुम्हें लूटने आ रहा हूँ। सागर सिंह जबरी ढील हो गई। सागर सिंह ये राकेश और विशाल उसी धर्मुआ का लड़का है, जानते तो है आप। लेकिन साले कहा था ये वापस यहाँ तक कैसे आ गए? मैंने तुमसे कहा था कितना गलत काम मत करो। भगवान सागर सिंह मैं वो खिलाड़ी हूँ कि पत्ता हिलने से पहले इधर को गाड़ देता हूँ। एक काम करते हैं, इसके रपट फॉर्म लिखवा दो कोतवाली में और इस हवेली के चारों तरफ पारा हो जाएगा सिपाहियों का, ठीक है? तो वो पर भी नहीं मार सकता मेरी हवेली पर, ठीक है? ठीक है। चलने दो, इसको कैसा मार मैं मारता हूँ।
गधे की मौत जब गधे की मौत आती है तो जाला लाइन की तरफ ही भागता है। किसने घोषा था सागर सिंह इधर आओ। यार हम हिम्मत बना रहे हैं, तुम पीछे हट रहे हो, क्या करें? इसको पकड़ो, इनको मारो साले को। पीछा कर ले आए हो, इसलिए इंस्पेक्टर बाबू वापस चले जाओ। राघव तुझे मालूम नहीं है क्या तेरे सामने कौन खड़ा है? इंस्पेक्टर विशाल खड़ा है। क्या कहा? ठाकुर का वही तीना कपड़ा उतारा मरिया लगता नहीं मरिया डंडा नीचे भैया अकेले मेरे बड़े भाई इंस्पेक्टर विशाल है। तुम्हारे भैया ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे एक न एक दिन सरकारी सर्विस में देखना चाहता हूँ। अगर मैं सरकारी सर्विस नहीं कर सका तो कम से कम मेरे बड़े भैया कर चुके हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बड़े भाई के सिरे पर गोली नहीं चलाऊंगा। सिर्फ बड़े भैया का अधिकार है कि मेरे सिर पर सिर्फ वही गोली चला सकते हैं। अच्छा तो बस तेरी बात तो सारी हो चुकी है, करने के लिए तैयार हो जा। अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है इंस्पेक्टर विशाल से बता, हर ख्वाहिश पूरा किया जाएगा। इंस्पेक्टर तेरी सरकार ने तेरी सी गोली नहीं बना कि जो राका का सीना छेद डाले। अगर गोली चलाना चाहता है तो कर तो चला गोली। और मैं आज देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी गोली है जो राका का सीना छेद डाले। तुमसे ये मैं पूछना चाहता हूँ आखिरी वक्त, क्योंकि तू कोई बदाशी डॉक्टर नहीं है, अगर तुम्हारी कहानी सुनेगा ना छूट
तेरे पालक तले जमीन फिसल जाएगी। तेरे तुम्हारी कैसी कहानी है? अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। अरे के चोटी से मैं मानना चाहता हूँ। अरे ठाकुर कसत डाले शाबा सिंह मेरी दुनिया को चूजा दिया है और आज मेरे दुनिया को जाकर रात का ढेर बना दिया और मुझे ठाकुर पढ़ने पर मजबूर कर दिया है। इंस्पेक्टर बाबू तो सुनिए मेरी दास्तान क्या है कि भाई एक कहाँ का रहने वाला था। इंस्पेक्टर बाबू मैं एक खरपारपुर का रहने वाला एक मेरा हल्का खेलता परिवार था और मेरा के ऐसा हल्का खेलता परिवार था हम दोनों भाई थे एक मेरी बहन और हमारे पिताजी भी थे। मेरी बहन की इच्छा लूट कर कुछ जान से मार दिया और उसके बाद हमारे खलियान को भी चरा कर राख का ढेर बना दिया और याद रखिए क्या हमारे भी घर को चरा कर राख का ढेर बना दिया। बस रखा बस बस रखा और याद तक कि क्या कि मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लाने को गए और गए वहां से क्यों मांगे डॉक्टर बाबू कब दोनों भाइयों ने अपनी बहन के सर पर रख करके स्वागत कहा था सागर को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मैं जैन से नहीं मरूंगा। वाह आज को दृश्य इस राका के परिवार में ऐसी घटना हुई और मेरी कहानी सुनकर के इंस्पेक्टर बाबू तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए? वाह वाह रखा वाह तुझसे उम्मीद नहीं रखा था मैंने। अरे बच्चों से तुझे पढ़ा लिखा करके तो कोई डाकू नहीं आज तेरे सामने जो खड़ा है ना तेरा भाई है क्या? अरे जो तूने कहानी बताया वो मेरी भी कहानी है तुझको मैंने कहा कहा नहीं ढूंढा। अरे किस किस से तुझसे तुम्हारे किस्सा में नहीं पूछा मगर तू इतना निर्दयी हो गया कि मुझे छोड़कर चला गया। मुद्दा तो अपने भाई को नहीं पहचान सका वर्षों से तुझे अपने सीने से लगाने के लिए तेरा भाई है बड़ा विशाल बड़े भैया भैया सिंह ने रोने का समय नहीं है। कौशल प्रताप सिंह और सागर सिंह ने हम दोनों पर चुल बताए हैं तो चल उसके लड़ाई और उसका पीछा कर
क्योंकि वो भाग ना निकले। बहुत होशियार है अगर बात भैया तो चले के चलते है चाचा प्रताप सिंह और सागर का बात के खान का तो गड़बड़ हो सकता था। अब लो टेंशन है और ये ताज मेरे सर पे शिवाला नहीं है, ये अपना इलाका है। अरे हम जो चाहेंगे वो होगा। मैं तो शुक्र मनाओ कि इन्हों इतना इंस्पेक्टर आ गया। अरे छोड़ इंस्पेक्टर को, इतना क्यों डरता? मैं समझा रहा था। बंदा ले रही है कुर्सी लगाओ। इंस्पेक्टर बाबू लाख लाख शुक्रिया है। अगर आप मौके पर ना आ जाते तो मेरे जान को खतरा हो गया था। मैं अच्छे मौके पर आई हुए हूँ। क्या तुम्हें मालूम है क्या तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वही धर्मो की शान का बड़ा बेटा विशाल तेरे सामने तेरी बात कर खड़ा है। विशाल तुम बहुत अच्छा हुआ गए तुम। विशाल क्या कौन से देखो वही धर्म की शान का छोटा बेटा राकेश और डाकू बनकर गलती को मेरी माफ करो कहना बस यही हमारा है। सब छोड़े अयोध्या जाता हूँ सब कुछ हो गया तुम्हारा। Thank you.
साले चोरा लाए हो तेरी मैया बंद करा सब लीक नहीं ला हमारे लागे तो अंधेरी हो जाए।
उतारो बंद नहीं कमरे उतारना पड़ेगा। कपड़े की तरह से उतारा था और सर से कपड़े उतारना पड़ेगा। यही कि नहीं सार एक दिन भी बोतल दारू पिए चला गया सार हमारे घर है भैया फनी भैया एक न लोड करो नहीं तो माँ बड़ी सलंटी हो यो सार पिए दारू पहुंच गया हमारे घर है हमारी मेहरबान चले रहे सीमी हद में हलवा है सार हाथी कहीं कहाँ गया भला ने स्टिकल बात बता दे तो बता दे कहीं कहाँ गया भला ने हमारे मेरवा कहीं लाते टंकी ना चाहे इस हरों पाए के मौका वत्तन बीच में गिराए के हमारी मेहरवा साया कमियानी फाड़ा ने उसका पहला बेटा इधर आओ ए पीकर के दारू गया तुम्हारी मेहरिया की साया कमियानी फाड़ डाला है। लेकिन किरचन ने बताइए कहीं साया में मियानी होती है? हाँ यार मियानी ने पल्ले पल्ला पहले इसलिए इधर आओ हमारे जिसम में सब तूने करवाया था। देखो यार हमने तो कभी मरवाया नहीं यार और तुम तो भी खुद मरवाते रहते थे यार अच्छा करो तुम ही समझो इनको एक काम करो इधर घर वाली से पूछो कौन तरिया वाली ठंडा पानी दो चार बल्टी से मंगवाओ काफी पहले चैन बंद करो भैया गलत बाबा
भले। वाह भैया, क्या हो गया? मने ना हो सब बोला भैया साकर मेरी बात का शान। कानून की निगाह में तुम एक मुजरिम है और मैंने सरकार से मुझे ऑर्डर मिला है कि तुझे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए मुर्दा तो नहीं पर आज तेरे हाथों में हथकड़ डालकर जरूर ले जाऊंगा। अरे भैया राजा ने अपनी बहन के सामने लेकर के स्वागत खाया और मैंने अपनी बहन की इज्जत का बदला चुका लिया। भैया शौक से हमारे हाथों में हथकड़ी लगा सकते हैं, लगा से गुजार और राकेश तो चिंता मत कर, एक पुलिस इंस्पेक्टर तेरे हाथों में हथकड़ी लगा कर ले जा रहा है, मगर वादा करता हूँ तुझे बहुत जल्द से जल्द छुड़ाएगा। दोस्तों जैसे बताया गया अय्याज शालीम जमींदार, अय्याज शालीम जमींदार पढ़ लिखिया पहन का पजा और हटा को राकाशी तमाशे का अंत ही से होता है। अगर हम कलाकारों द्वारा अगर कोई गलती हो गई अपना बच्चा समझ कर क्षमा कर देना। हाँ भैया कलाकारों की गलती क्षमा।